हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। और आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे 29th मई पेपर एनालिसिस के बारे में, जो आपके जनरल अवेयरनेस के आज क्वेश्चंस आए, किस टाइप के क्वेश्चंस आए, सारे शिफ्ट के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखेंगे आज किस टाइप से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अभी भी इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन, सारे के सारे शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर अपडेट। और इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं। वेयर इज़ पानीपत सिटी, तो ये क्वेश्चन पूछे गए आपके RRB JE एग्जाम में, तो ये हो जाएगा हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC रैंकिंग 2019 एट नंबर वन इन टेस्ट, तो इंडिया जो है वो नंबर वन है ICC रैंकिंग टेस्ट में। तो आपसे आने वाले एग्जाम में ODI भी पूछ सकते हैं, तो ODI आपको याद रखना है, ODI में इंग्लैंड जो है वो नंबर वन पे है और T20 में पाकिस्तान जो है वो नंबर वन पे है। तो आपसे प्लेयर्स के बारे में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स टेस्ट ODI और T20 में नंबर वन या नंबर टू पे है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर प्रेसिडेंट व्हाट इज़ मिनिमम एज, तो वो होता है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वन द मैक्सिमम टाइम हॉकी वर्ल्ड कप, तो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने जीते हैं और वो जीते हैं 4 टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा डांडिया रिलेटेड टू विच फेस्टिवल, तो ये आपको पता है गरबा डांडिया जो है रिलेटेड है नवरात्रि से, तो नवरात्रि वहाँ आपका ऑप्शन में थे तो इसलिए इसका आंसर नवरात्रि हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट टू इक्वलिटी विच आर्टिकल, तो ये है 14 to 18। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड, ये क्वेश्चन मैंने आपको तो ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, तो वो है मनप्रीत सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट किए गए हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है। कल पूछा गया था आपसे, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था जो पूछा गया था कि मनप्रीत सिंह जो है वो रिलेटेड हैं किस स्पोर्ट्स से, तो वो वहाँ पर उसका आंसर हॉकी था। और यहाँ पर पूछा गया है जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है वो कौन है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वन विजय हजारे ट्रॉफी इन 2018, तो विजय हजारे ट्रॉफी से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी, और अभी पूछे गए विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था, तो वो हो जाएगा कर्नाटका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन हु वन नोबेल प्राइज, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वो हो जाएंगे पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो वो रिलेटेड है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट कप 2018 कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा गया, तो ये हुआ था UAE में। तो आपसे आने वाले टाइम में ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन क्रिकेट कप किसने जीता था, तो इंडिया ने इसे जीता था, तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके RRB JE में आज के शिफ्ट में पूछे गए, सारे शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि मेरे पास आए थे, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से है वो बोले जा रहे हैं कि थोड़े हार्ड आ रहे हैं, तो आप थोड़ा हिस्ट्री को देख लीजिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के आ रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं वो बिल्कुल उसी लेवल के आ रहे हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस के कुछ पेपर एनालिसिस थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका अभी तक RRB JE का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, और जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है वो अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।